आप सोच के देखिए कि कोई एक छोटा सा पत्ता आपकी कितनी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। तो पीपल के पेड़ को भारतीय संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, धार्मिक दृष्टि से या फिर औषधीय गुणों की दृष्टि से भी इसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन हिंदू धर्म में पीपल को विष्णु का निवास स्थान माना गया है और यही कारण है कि हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी पीपल के पेड़ के बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही ज्ञान प्राप्त किया था। आपको पूरे भारतवर्ष में मिल जाएंगे, गाँव में या फिर जो शहरों में बड़े बड़े पार्क हैं उनके अंदर आपको पीपल के पेड़ के बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। पीपल की छाल हो, पीपल के पत्ते हों या इसके फल हों, सभी का जो है औषधियों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व है और सभी को औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम आपको धार्मिक महत्व नहीं बल्कि इसके औषधीय गुणों के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे और यहाँ पर आज हम आपको पीपल के पत्तों के बारे में बताएंगे। आप सोच के देखिए कि कोई एक छोटा सा पत्ता आपकी कितनी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको पीपल के पत्तों के कुछ औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। पीपल के पत्तों का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है आपके पाचन तंत्र के लिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि पीपल के पत्तों में कुछ ऐसे एंजाइम्स और मिनरल कंपाउंड्स होते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन, अल्सर और लूज मोशन से बचाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पाचन तंत्र खराब रहता है और आप बार बार जो है पेट की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप आज से ही पीपल के पत्तों की चाय बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। पीपल के पत्तों को उबालकर और उसकी चाय बनाकर अगर आप पियेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन, अल्सर और जो लूज मोशन जैसी गंभीर समस्याएं हैं आप उनसे बचे रहेंगे। तो पीपल के पत्तों का अगला जो फायदा है वो है आपके हार्ट के लिए। हमारे हार्ट को हेल्थी रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा रोल है। पीपल के पत्ते हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप पीपल के पत्तों को उबालकर उनकी चाय हर रोज पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स का असर कम होता है और आपके जो नसों में सूजन है उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद आपको मिलती है। साथ ही साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपके जो हार्ट है उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज और जो हार्ट अटैक का खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों आप हर रोज़ पीपल के पत्तों की चाय बनाकर जरूर पिए है, वो है शुगर रोगियों के लिए। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके लिए पीपल का पत्ता जो है बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। पीपल के पत्ते के अंदर ग्लाइसेमिक गुण होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चला है कि पीपल के पत्ते के इसी गुण के कारण ये जो है बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करने में काफ़ी मदद करता है। तो दोस्तों अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और अपने बढ़े हुए शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से कम करना चाहते हैं तो इसमें आपके पीपल के पत्ते बहुत ही काम आ सकते हैं। इसके लिए आप आज से ही पीपल के पत्तों को उबालकर उसकी चाय पीना शुरू कर दीजिए। आपको शुगर लेवल में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। फेफड़ों के अंदर बलगम जमा होने से जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है या फिर बीड़ी सिगरेट बहुत ही ज़्यादा पीने की वजह से जिन लोगों को अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए पीपल के पत्ते बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। पीपल के पत्तों के अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं और इसी वजह से अस्थमा जैसे रोगों में या फिर बलगम को बाहर निकालने में पीपल के पत्ते काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसके लिए आप पीपल की जो अंतर छाल होती है उसका काढ़ा बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा इस रोग में करेगा। तो अगर आप अस्थमा से परेशान हैं या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा की आपको बीमारी है, तो आप आज से ही पीपल के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा उसमें करेंगे। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के दौरान कुछ हानिकारक प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं और ये जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, हमारे शरीर में कई टॉक्सिन्स पैदा कर देते हैं। वैसे तो हमारे जो किडनी होती है या फिर जो स्किन होती है उसके द्वारा ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये टॉक्सिसिटी जो है बाहर निकाल दी जाती है, लेकिन हमारी जीवन शैली और हमारे खान पान की वजह से कभी कभी ये टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते और इनकी वजह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आगे चलकर ये टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में कई हानिकारक बीमारियों को पैदा कर सकती है, लेकिन अगर आप पीपल के पत्तों को उबाल कर उनकी चाय बनाकर पीते हैं तो ये पीपल के पत्तों की जो चाय होती है ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काफ़ी मदद करती है और आपके शरीर की जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कम हो जाती है और आप कई छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहते हैं, छोटे छोटे इन्फेक्शन से आप बचे रहते हैं। दोस्तों पीपल के हमारे दिमाग के लिए, हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। पीपल का जो पत्ता होता है
वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पीपल का जो पत्ता होता है वो हमारे ब्रेन के लिए एक ब्रेन टॉनिक का कार्य करता है, ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। और पीपल के पत्तों का जो उबाल कर अगर हम इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो ये हमारी याददाश्त को बढ़ाने के साथ साथ हमारे जो दिमाग की नसें होती है, ब्रेन की जो नसें हैं उनको मजबूत करता है। ओवरऑल पीपल के जो पत्ते होते हैं वो हमारे ब्रेन की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे जो ब्रेन की नसें हैं उनको मजबूत करके एक हमारी जो कार्य प्रणाली है दिमाग की उसको दुरुस्त रखने में हमें काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी पीपल के पत्तों के बहुत सारे फायदे होते हैं। पीपल के पत्ते हमारी किडनी, लीवर और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर आप पीपल के पत्तों की चाय बनाकर पीना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप एक गिलास पानी किसी बर्तन में निकाल लें और उस पानी को अच्छे से उबाल लें, और उबलने के बाद आप पीपल के दो पत्ते ले लें, उनको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उनको आप हाथ के साथ क्रश करें, और क्रश करने के बाद आप उनको उस पानी में डाल दें। जब पानी आधा रह जाए तो आप उस पानी को छान लें, और छानने के बाद आप किसी कप में उस पानी को निकाल लें। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप शुगर के रोगी हैं, शुगर या डायबिटीज़ की आपको प्रॉब्लम है तो आप उसमें शहद ना मिलाकर थोड़ा सा नमक मिला लें। अब इस पानी को आपको सुबह खाली पेट पीना है, लगातार आप इसका सेवन करें। दोस्तों वैसे तो पीपल के पत्तों के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ होते हैं, लेकिन लगातार ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो माताएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको पीपल के पत्ते लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।